एसी कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर में क्या ध्यान रखना है मुझे कि ईएमएफ का इक्वेशन ये दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट के लिए इक्वेशन इसमें होता है आई बराबर आई नॉट और साइन ओमेगा टी, कोई लीड लैग नहीं करेगा, ये भी ओमेगा टी ये भी ओमेगा टी, दो बात ये हो गया, करंट का इक्वेशन वोल्टेज का इक्वेशन। ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि दोनों का सेम फेज है तो दोनों एक साथ मैक्सिमा अटेंड करेगा, एक ही साथ दोनों मैक्सिमम पे अपने आएंगे, लेकिन करंट जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए करंट थोड़ा कम होगा और वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जो ऊंचा ग्राफ है यानी डॉटेड लाइन, ये वोल्टेज का ग्राफ है और जो थोड़ा नीचे है वो करंट का ग्राफ है, करंट, और दोनों साइन के जैसे ही हैं। फेजर डायग्राम की बात करें तो एक्स एक्सिस इधर ले लिए, तो पहले का ओमेगा टी है एंगल, तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल जाकर और वोल्टेज का ये लंबा वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, वोल्टेज का, ये लंबा ज़्यादा लेंथ वाला वोल्टेज का हो गया, क्लियर, ये वोल्टेज के लिए हो गया। और करंट के लिए कौन सा होगा, तो छोटा होगा क्योंकि करंट की वैल्यू थोड़ा कम है, तो करंट के लिए ये स्मॉलर वन ग्राफ हो गया, जो छोटा ग्राफ है ये ग्राफ, ये करंट के लिए हो गया। तो इस तरह से तीनों आप डायग्राम याद रखना है आपको।